जब एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा से आ रही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली रेलगाड़ी को पार करती है और पार करने में आधा मिनट लेती है। तो बता रहे हैं कि धीमी गति वाले रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 350 मीटर, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कितनी लंबी है? तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और डिस्टेंस इसमें क्या मेजर होगी, दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, एक तो है 350 की और एक का पता नहीं, दोनों की लंबाइयां दूरी में इंक्लूड होगी, बराबर स्पीड। अब स्पीड क्या लेंगे, देखो 30 किलोमीटर से इधर आ रही है, 60 किलोमीटर वाली इधर आ रही है, यानी दोनों जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड 60 और 30 90 हो गया। अब देखिए दोस्तों 90 है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इनटू टाइम क्या है, आधा मिनट, आधे मिनट को मैं लिख सकता हूं 30 सेकंड लिख सकता हूं क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बात कर रहे हैं अपन। तो 18 × 5 = 90, 25 × 25 = 75, यानी कि 750 - 350, तो इससे क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा, x यानी तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई। तो ये हो जाएगा 0 0, 7 × 3 = 4, 400 मीटर की दूसरी ट्रेन है जो तेज चल रही है, ठीक है। इस तरह के मजेदार वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, थैंक यू सो मच।